जय श्री कृष्ण। आज हम आपको चंद्र ग्रहण के अवसर पे ठाकुर जी के सामई जो कीर्तन बोले जाएं बिन के बारे में कछु हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जब कभू चंद्र ग्रहण हुए तो सबसे पहले चार कीर्तन महात्म के बोले जाएं, और ये चार कीर्तन कौन कौन से हैं? पद्म धर्यो जन ताप निवारण पहलो, दूसरो मोहन नंद राय कुमार, तीसरो बंदे धरन गिरवर भूप, और चौथो कीर्तन है जय जय लाल गोवर्धन धारी। ये चार कीर्तन महात्म के सबसे पहले बोले जाएं, और ये चारों कीर्तन मालव में बोले जाएं। इन चारों कीर्तन में ठाकुर जी के जो स्वरूप है वाके महात्म को बड़े सुंदर निरूपण किए गए हैं। तो मैं आपके समय इन चारों कीर्तन को गायन कर रही हूं, और आपको भी चंद्र ग्रहण के समय पे जब अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के आपको कीर्तन करने हैं तो ये कीर्तन आपको करनी है। पद्म धन्यो जन ताप निवारण, पद्म धन्यो जन ताप निवारण, पद्म धन्यो चक्र सुदर्शन जी को जो महात्म्य है बाको सुंदर निरूपण कियो है। परमानंद दास जी ने कहा कि ये कि ठाकुर जी जो हैं उनके चतुर्भुज स्वरूप को यहां में निरूपण कियो है। पद्म धर्यो जन ताप निवारण, ठाकुर जी ने अपने एक हस्त कमल में एक भुजा में जो पद्म, पद्म माने कमल, जो कमल धारण कर रखा है वाको उद्देश्य का है पद्म धर्यो जन ताप निवारण। जन के ताप को निवारवे के काजे, जन के कष्ट को दूर करवे के काजे, और जन के विरह जनित ताप को, विरह अग्नि को निवारण करवे के काजे ठाकुर जी ने पद्म धारण कर रखो है, कमल धारण कर रखो। पद्म धरो जन ताप निवारण, चक्र सुदर्शन धर्यो कमल कर, भक्तन की रक्षा के कारण। और ठाकुर जी ने जो अपने एक हस्त कमल में जो सुदर्शन चक्र धारण कर रखे हो, वह सुदर्शन चक्र को धारण करने के पीछे का उद्देश्य है कि चक्र सुदर्शन धर्यो कमल कर, जो कमल के समान ठाकुर जी को हाथ है, हस्त कमल है, वहां में चक्र सुदर्शन काय को धारण कर रखो है भक्तन की रक्षा के कारण। जो उनके भक्त हैं ठाकुर जी के, जो ठाकुर जी के निजजन हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी रक्षा के कारण ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र धारण कर रखा। और शंख धर्यो रिपु उदर विदारण, और ठाकुर जी ने शंख क्यों धारण कर रखो है? रिपु कहे दुश्मन थे,
और उदर विदारण उदर के पेट ते, तो ठाकुर जी ने शंख को यामारे धारण कर रखो है कि जितने भी शत्रु हैं उन सवन के व शंख की ध्वनि ते हृदय और उदर जो है वो विदीर्ण हो जाए, व्याकुल हो जाए। शंख धरो उदर विदारण और गदा धरी दुष्टन संघारण, और ठाकुर जी ने एक हाथ में जो गदा धारण कर रखी है वो दुष्टन को संघार कर भी दिखा, ये धारण कर रखी है। शंख चक्र गदा और पद्म चारों को बता दियो है। गदा धरी दुष्टन संघारण चारों भुजा चारों आयुध धर, ठाकुर जी को जो चतुर्भुज स्वरूप को जो वर्णन किया गया है भाव लियो गयो है वहां में चारों भुजान में ठाकुर जी ने चारों आयुध, आयुध के हैं जो उनके हथियार हैं वे धारण कर रखे हैं। चारों भुजा चार आयुध धर नारायण भुव भावता, और नारायण कैसे या भुव को या पृथ्वी को भार उतार दे के काजे ठाकुर जी ने ये स्वरूप धारण करो, नारायण भुव भार उतारण। और दीनानाथ दयाल जगत गुरु आरत हरण भक्त चिंतामणि, ठाकुर जी दीनानाथ हैं, दीनन के नाथ हैं और दयाल हैं, बड़े भारी दयालु हैं, और जगत गुरु पूरे जगत के गुरु हैं वे, और आरत हरण हमारे जो आरत के हैं हमारा कष्ट हमारा ताप वाकु हरवे बारे हैं, हमारे विरह के ताप को हरवे बारे हैं। आरत हरण भक्त चिंतामणि, और भक्तन को चिंतामणि के समान है, जैसे चिंतामणि जो कछु मांगे वो मिले, जो कछु की कामना करे वो मिले, ऐसे ठाकुर जी जो हैं वो भक्तन के काजे चिंतामणि के समान है। और परमानंद दास को ठाकुर यह ओसर ओसर छाणो जन, परमानंद दास जी कहें कि परमानंद दास के ठाकुर हैं भी या मारे ऐसो ओसर कभी छाणनो नहीं चाहिए, कभी छोड़नो नहीं चाहिए। असल में ये जो चंद्र ग्रहण है ये बड़ो भारी भार जनित है, बड़ो कष्टकारी है, बहुत सी राशि को तो ऐसा ज्योतिष के अनुसार बताया जाए कि ये बड़ो अशुभ है, पर जो ठाकुर जी के समक्ष बैठ के और ठाकुर जी के सामने बैठ के इन अष्टसखान की वाणी को जो कीर्तन करें, जो इन महात्म के कीर्तन ने बोले, उनको कोई कछु ना कर सके। या हमारे मेरा आप सबसे निवेदन है कि चंद्र ग्रहण के अवसर पे इन चारों कीर्तन ने, महात्म के चारों कीर्तन ने सबसे पहले बोले, बाके बाद रास के कीर्तन बोले, और बाके बाद मान के कीर्तन बोले। चंद्र ग्रहण में ऐसा नियम है। अब दूसरो जो महात्म को कीर्तन है वाकू मैं आपके सामने गायन कर रहा हूं। नंदराय कुमार मोहन नंदराय कुमार मोहन नंद प्रकट ब्रह्म निकुंज अवतार मोहन प्रथम चरण सरोज बंदौ श्याम घन गोपाल प्रथम चरण ललित कुंडल गंड मंडे विशाल बलराम सहित विनोद लीला शेष शंकर देत दास परमा नंद प्रभु हरि निगम बोलत गिरवर मोहन नंद राय कुमार मोहन नंद मोहन नंद राय कुमार
मोहन जो है, ठाकुर जी जो है, वो नंद राय के, नंद राय नंद बाबा जो गोपन के राय हैं, राजा हैं, उनके कुमार हैं। अब उनके स्वरूप को कैसो महात्म को वर्णन किया है, प्रगट ब्रह्म। ठाकुर जी जो है वो ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, उनको प्रागट्य ब्रह्म के रूप में हुए। और निकुंज नायक, और जो निकुंज है वहां के आप नायक हैं, या निकुंज में ठाकुर जी के जन जो हैं, ठाकुर जी के निज जन जो हैं, वह निकुंज में जो ठाकुर जी के संग जो रास लीला की जो परम आनंद की जो क्षण है, वहां में जो निमग्न है, ऐसे वह निकुंज के ठाकुर जी सब सखी और सब गोपी के बीच में जो ठाकुर जी निकुंज में रास कर रहे हैं, वहां के निकुंज नायक हैं, प्रकट ब्रह्म निकुंज नायक, भक्त हित अवतार। और ठाकुर जी का जो अवतार है वो भक्तन के हित के कार्य हुए। प्रथम चरण सरोज बंदौ श्याम घन गोपाल, ऐसे उन ठाकुर जी के चरण कमल जो हैं, सरोज कहें कमल ते, तो चरण सरोज को मतलब चरण कमल, तो प्रथम चरण सरोज बंदौ ठाकुर जी के ऐसे जो प्रकट ब्रह्म है, जो निकुंज नायक हैं, उनके चरण कमलन को मैं पहले वंदना करूं। प्रथम चरण सरोज बंदौ श्याम घन गोपाल, और उनका स्वरूप कैसो है, श्याम, श्याम वर्ण को उनको स्वरूप है, और कैसे श्याम वर्ण को, घन जैसे बादर हुए, जैसे बादर को स्वरूप कारो हुए, श्याम हुए, ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप है श्याम घन गोपाल। और ललित कुंडल गंड मंडित, ठाकुर जी के स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन किया है, ललित कहें सुंदर थे, ललित कुंडल ठाकुर जी के कर्ण में कुंडल जो है, सुंदर कुंडल जो है वो शोभायमान है, ललित कुंडल गंड मंडित, और वे बड़े भारी मंडित हो रहे हैं, मानो शोभायमान हो रहे हैं, और चारों नयन विशाल, चारों कहें सुंदर थे। तो ठाकुर जी के जो नयन हैं वो बड़े सुंदर हैं और विशाल हैं, विशाल माने बड़े हैं। और बलराम सहित विनोद लीला शेष शंकर देत, और ठाकुर जी जो हैं वो बलराम के संग, अपने भैया बलदाऊ के संग विनोद लीला, बड़े भारी विनोद की लीला कर रहे हैं। कभी ठाकुर जी माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, कभी ठाकुर जी उखलते बंध रहे हैं, कभी अपना नाम दामोदर कहवा रहे हैं। तो ये सब जो ठाकुर जी की विनोद की लीलाएं, वे शेष शंकर देत, शेष जी और शंकर जी वे भी उनकी लीला को देख कर बड़े भारी प्रसन्न हो गए। और दास परमानंद, यहां शेष शंकर हेत भी हो सके, मानो शेष के और शंकर के सुख के काज है, उनको आनंद प्रदान करने के काज है ये विनोद की लीला, क्योंकि ठाकुर जी की जितनी भी लीला हुई है उनमें शंकर भगवान जो है वो उनकी लीला को दर्शन करने को आए हैं। तो शेष शंकर हेत और दास परमानंद प्रभु हरि निगम बोलत लेत, दास परमानंद या परमानंद दास जी ने लिखो तो परमानंद दास जी कहें कि दास परमानंद प्रभु हरि, ठाकुर जी जो हैं वो परमानंद दास के प्रभु हैं, और हरि निगम बोलत नेत, निगम जो हैं जितने भी पुराण ग्रंथ ये जो हैं ये कैसे बोले, बोलत नेत, नेत माने न इति, नेति नेति मतलब ठाकुर जी के जो स्वरूप है और ठाकुर जी की जो लीला है उनको इति नहीं है, उनको अंत नहीं है, ऐसा निगम बोले, ऐसे पुराण ग्रंथ वेद बोले, निगम बोलत नेत। तीसरा जो महात्म का पद है वो कौन सा बोलो जाए, मैं जल्दी जल्दी इन पदन ने आपके सामने गा रहे हूं और जल्दी जल्दी इनको भाव विभीषण कर रहे हूं। तीसरा पद है वंदे कृष्णदास उदार उरी
बंदे धरन गिरवर भूप, बंदे को मतलब वंदना करूं, बंदे को मतलब वंदना करूं कौन की, धरन गिरवर भूप, धरन कहे पृथ्वी थे और गिरवर कहे गिरराज पर्वत जितने भी पर्वत हैं उनते, उन समन के भूप जो हैं, जो या पृथ्वी के अचर अचर चराचर इन समन के जो भूप हैं जो राजा हैं उनकी मैं वंदना करूं। वंदे धरन गिरवर भूप, और वे कैसे हैं ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है, राधिका मुख कमल लंपट, जो राधिका जी को जो स्वामिनी जी को मुख कमल है, कमल के समान जो मुख है वहां के लंपट है, वाकू देखने के काजे लालायत हैं ठाकुर जी, राधिका मुख कमल लंपट, और कैसे मत मधुब स्वरूप, जैसे मदमस्त मधुब के भोरा थे, जैसे मदमस्त भोरा कमल के काजे कमल में प्रवेश के काजे कमल को रस ग्रहण करने के काजे, जैसे मदमत भोरा कमल के ओर पास घूम तो रहे, ऐसे ठाकुर जी राधिका के कमल मुख के लंपट हैं, वाकू चाहवे बारे हैं, वाकू सौंदर्य को निहार भी बारे हैं ठाकुर जी, कैसे मत मधुब स्वरूप, जैसे मदमस्त भोरा कमल के चारों ओर घूमे ऐसे ही ठाकुर जी राधिका के मुख कमल को निहार भी बारे हैं। और बंदे रसिक वर, ठाकुर जी कौन की वंदना कर रहे हैं, रसिक वर जो रसिकन के भी सरताज हैं, रसिकन के स्वामी हैं, बंदे रसिक वर संगीत सुख निधि, जो संगीत के और सुख के निधि हैं भंडार हैं, क्वणित वेणु अनूप, और जिनकी वेणु जो है जिनकी मुरली जो है वो बड़े भारी अनूप और विभिन्न प्रकार के स्वरों को निकाले, और कहे कृष्णदास, कृष्णदास जी कहें उदार ओर पर, ठाकुर जी को जो उदार ओर है जो चौड़ो ठाकुर जी को वक्षस्थल है वहां पे लोल माल अनूप, लोल कहें सुंदर थे और माल कहें माला थे, ठाकुर जी के उदार वक्षस्थल पे बड़ी सुंदर माला जो है अनूप, जाकि उपमा नहीं दी जा सके ऐसी उपमा रहित माला ठाकुर जी के उदार ओर पे विराज रही है। बंदे धरन गिरवर भू, ठाकुर जी के कैसे कैसे स्वरूपन को वर्णन करो इन महात्म के पदन में, और मेरो आपसे ये निवेदन है कि चंद्र ग्रहण के समय पे इन पदन ने जरूर बोलियो महात्म के। अब चौथो लास्ट जो है वो मैं आपके सामने, जय जय लाल गोवर्धन धारी, ठाकुर जी को जो गोवर्धन धर को स्वरूप जो है वाकू वाकी वंदना करिए हमें, वहां को महात्म बताया हुआ कि जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्र मान, इंद्र ने जो मान कर लियो कि मेरी पूजा होगी और अगर मेरी पूजा ना करी तो मैं पूरे ब्रज डुबो दूंगा, तो वाकई इंद्र के मान को भंग कियो, वाकू वाके मान को तोड़ो, वाके मान को विनाश कियो, इंद्र मान भंग कियो। और बाम भुजा राख्यो गिर नायक, ठाकुर जी ने अपनी बाई भुजा पे गिरी नायक, गिरी को राजा, गिरी को राजा कौन, गिरिराज पर्वत, तो बाम भुजा राख्यो गिरी नायक, गिरी को नायक जो है वो बाम भुजा पे अपने पर राख लियो, और भक्तन को सुख दिया, और जो भक्त बड़े भारी व्याकुल हुए
कि तो 7 दिवस से लगातार बरसात है रही है, तो ब्रज डबा के माने वो इंद्र तो, या कि कूपते कौन बचे वो, तो भक्तन को सुख दीना। और 7 दिवस मगवा पच हारे, 7 दिवस, दिवस के दिन थे, 7 दिन तक मगवा के इंद्र थे, इंद्र पच के हार गो, पच हारे, फिर भी गो सुत श्रृंग न भीनो, गो के गैया थे, और सुत माने गैया को, सुत गैया को बेटा, कौन बछड़ा, तो पछड़ा को सींग, सरंग के ही सींग थे, गोसुत सरंग न भीनो, इतनो पानी बरसाया हुआ ने, पर बापे गैया के बछड़ा को सींग तक नहीं भीजो, सींग तक गीलो नहीं हो, जुन्यो कहरो में ब्रज डुबो दो, गोसुत सरंग न भीनो। और कृष्णदास गिरधर पी आगे, कृष्णदास जी गए कि गिरधर पिए के आगे, ठाकुर जी के आगे, पावे पर्यो बलहीनो, पावन में पर गो बलहीन होगी बू इंद्र, जो बड़ो भारी मान कर रहो। तो ये 4 महात्म के पद आपको चंद्र ग्रहण में अवश्य रूप से बोलने, और बाकी अलावा आपको बोलने है मैं रास के पद, तो रास के पदन को मैं भाव विचन कर चुका हूं, मैं केवल आपको गिन के बता दूंगा कि इन रास के पदन ने आप बोल सको, कौन से, चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी, एक तो यह पद आप बोल सको, यही मेरे चैनल पे आपको भाव विचन भी करके मैंने समझाया हुआ, आई गोपी पायन परन याय बोल सको आप, और रास के तो बहुत सारे पद हैं, एक ये अरुझी कुंडल लट बे सरसों पीत पट बनमाल, ये जो रास के पद हैं, इन रास के पदन को आप बहुत सारे पद या मैं दे रखे हैं रास के, उन रास के पदन को आपको बोलना है, जैसे ये वृंदावन बंसी रट, कोई भी रास के पद 4-5 जितने आपको बोल सके वो आपको रास के पद बोलने, और वहां के बाद आपको बोलने मान के पद, मान के पद कौन से, मनावत हार परीरी मेरी माई, तू चटते मट होत न राधे हो हरिलेन पठाई, आवत जात हो तो हार परीरी लाडली न माने लाल आप ही पांव धारो, और दौरी दौरी आवत मोही को मनावत, ये मान के पद आपको बोलने हैं। तो 4 पहले महात्म के पद, रास के पद और मान के पद, ये पद आपको चंद्र ग्रहण में ठाकुर जी के सामने बैठ के बोलने, और बड़ो आनंद थे आपको ये चंद्र ग्रहण जो है आपको करना निरूपण। और मेरे 3 यूट्यूब चैनल हैं, उनको आप देखो तो हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करो, वहां में सदस्यता ग्रहण नहीं करो, वहां के नीचे एक लाल सो बटन रे, पहलो मेरो चैनल है ब्रज दर्शन ब्लॉग्स, जहां मैं ब्रज 84 को उसके समस्त लीला स्थलन को महत्व और महात्म बताते हुए मैं दर्शन कराऊ। दूसरो मेरो पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन, जहां मैं सुबह जगावे से लेकर पौड़ावे तक के सब ऋतुन के सब समय के कीर्तन मैंने पूरे वर्ष भर के डाल रखे काके। और तीसरो कीर्तन रस भाव, जहां मैं सैकड़ों कीर्तन को बड़ो सुंदर गायन करके और भाव विवेचन करके मैंने समझा रखो। इन 3 चैनल से आप आनंद लो, और सब वैष्णव ऐसे ही ठाकुर जी के इन कीर्तन के रस में डूबे रहें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।